नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर कहते हैं पेट के लिए इंसान कहीं भी काम के लिए चला जाता है, और भले ही मजबूरी में आसमान के नीचे ही क्यों न रहना पड़े। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के नरही थाना क्षेत्र के रामपुर चिट के सिवान में लॉकडाउन के कारण आदिवासी समुदाय के 40 से 50 लोग बच्चों सहित अपना जीवन काटने को मजबूर हैं। उनके पास न रहने की जगह है, न ही खाने का ठिकाना। बच्चों के लिए दूध और दवा का इंतजाम हो पाया था। वहीं आदिवासी समुदाय के लोग घूमकर करतब दिखाते हैं और लोगों को घूम घूमकर मनोरंजन करते हैं। यही इनके जीवन यापन का मुख्य साधन है। आज लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद हो गया है। इनके जीवन में लाले पड़ गए हैं, ये सब फंस गए हैं। खाने और पीने का कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आज एक ऐसे शख्स ने इनके लिए हाथ बढ़ाया है। इस शख्स का नाम रमन श्रीवास्तव है, जो समाजसेवी हैं। युवा समाजसेवी रमन श्रीवास्तव और उनके सहयोगी रजनीकांत जी थे। ट्रस्टीज भार चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से आटा, चावल, दाल, तेल, मसाला, नमक, दूध, साबुन का पैकेट बनाकर बांटा। साथ ही बच्चों के लिए बिस्कुट, टॉफी, चिप्स तथा गुब्बारा वितरित किया, जिसके बाद इनके चेहरे खिल गया और ये बहुत खुश हुए। मैं रमन, कल्पना कॉलोनी बलिया जी। आज अभी रामपुर चीट आए हैं, क्या मामला है और किस तरह का सामान आपने वितरण किया है लॉकडाउन में? मुझे न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि रामपुर चिट गांव में कुछ बंजारे हैं जिनके साथ 25-30 बच्चे हैं और उन्हें सहायता नहीं मिल पा रही है। तो मैंने संपर्क किया और मैंने बोला कि मैं इन लोगों तक पहुंचना चाहता हूं और इन लोगों तक अपनी सहायता पहुंचाना चाहता हूं। तो एक पत्रकार बंधु जो मेरे मित्र भी हैं, कमल राय जी, इनके माध्यम से मैं यहाँ पर आज आया। रजनीकांत भैया हैं या अभिषेक श्रीवास्तव हैं, और हम लोगों ने ये लिया है कि इन लोगों के साथ हम लोग जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक इन लोगों की मदद करते रहेंगे हम, और ये लोग जहाँ से आए हैं वहाँ पहुँचाने की व्यवस्था हम करेंगे। और धन्यवाद देना चाहूँगा पत्रकार बंधुओं का कि पुलिस डॉक्टर के बाद तीसरी आपकी सबसे प्रमुख भूमिका रही है, क्योंकि आज पत्रकार भाई ही हैं जो इनकी वजह से हमें सारी बातें पता चल पा रही है। घर बैठे जहाँ मदद नहीं पहुँच पा रहे वहाँ मदद के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।